Hello everyone, welcome to Get Education. For more videos and latest updates, please subscribe Get Education channel. In the previous lecture, we were discussing envelope detector. In this lecture, we will discuss conditions for proper detection of message signal in the case of envelope detector, that is the condition of no envelope distortion. अब देखो, जब मैंने heading पढ़ाई थी demodulation of AM, डिमोड्यूलेशन मैंने लिखाया था आपको कि म्यू, पहले दो जो मेथड थे, पहले दो मेथड के लिए म्यू मैंने क्या लिखाया था, लेस देन और इक्वल्स टू वन, ठीक है। एनवेलप डिटेक्टर के लिए म्यू कितना था, लेस देन इक्वल्स टू वन। सेम आपका किसके लिए मैंने बोला था, स्क्वायर ला डिमोड्यूलेटर के लिए भी। तो वही कंडीशन देखो, म्यू इक्वल्स टू लेस देन, म्यू लेस देन इक्वल्स टू वन क्यों ले रहे हैं हम। तो पहला लिखो, फॉर प्रॉपर डिटेक्शन ऑफ, फॉर proper detection of message signal from AM signal, देखो एस ए एम टी जो होता है, एस ए एम टी, उसका जो एम्पलीट्यूड होता था कितना था हमारा, ए सी वन प्लस के ए एम टी, कितना होता है एम्पलीट्यूड, ठीक है ना। करियर आपका मॉड्यूलेशन यानी कि ए एम सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड होता है वो आपका इतना होता है, ठीक है। अब इसमें हमने क्या देखा, हमको क्या चाहिए था, प्रॉपर डिटेक्शन करना है मैसेज सिग्नल का, ठीक है। प्रॉपर डिटेक्शन करना है यानी कि मैसेज सिग्नल आपका जो भेजा था वही मिले हमको। अब देखो, हमने तीन केस करे थे आपके, अंडर मॉड्यूलेशन, क्रिटिकल मॉड्यूलेशन, ओवर मॉड्यूलेशन, ठीक। अब देखो, जो पहले दो केस थे, अंडर मॉड्यूलेशन और क्रिटिकल मॉड्यूलेशन, उसके लिए देखो प्लॉट क्या था, अंडर मॉड्यूलेशन के लिए आपका स्टेप से एनवेलप स्टेप से था, ये आपके करियर सिग्नल के लिए आउटर बाउंड्री हो गई थी, और उसके बाद मैंने मॉड्यूलेटेड करियर इस टाइप से ड्रॉ किया था। देखो, हमको एनवेलप डिटेक्टर में हमको क्या मिल गया था, जो सिग्नल था, सिग्नल का पीक एम्पलीट्यूड हमको मिलता है एनवेलप डिटेक्टर में। कल देखा था हमने, जैसे ए एम कॉस्ट टू पाई एफ एम दिया था तो क्या मिला था, ए एम मिला था। ऐसी जब ये वाला दिया था ए सी वन प्लस के ए टी के ए एम टी, तब आपको ये वाला मिला था एनवेलप डिटेक्टर के आउटपुट पे। तो यहाँ पे देखो क्या मिल रहा था, हमको पीक एम्पलीट्यूड मिल रहा था, ठीक है। अब इस केस में देखो, पीक एम्पलीट्यूड है किसके अकॉर्डिंग, मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंग ही है इस केस में। किस केस में, अंडर मॉड्यूलेशन के केस में, अंडर मॉड्यूलेशन, अंडर मॉड्यूलेशन यानी कि म्यू इज लेस देन वन, सही है, इतना था। ऐसे ही सेम क्रिटिकल केस के लिए भी देखो क्या था, क्रिटिकल केस के लिए अपना क्या था, जो ए मिनिमम की वैल्यू थी, ए मिनिमम की वैल्यू कितनी थी अपनी, जीरो थी, ठीक है। इस टाइप से मान लो कुछ आ रहा है क्रिटिकल, क्रिटिकल मॉड्यूलेशन, इसमें क्या था, म्यू इज इक्वल्स टू वन। अब इन दोनों केस में देखो, जो करियर आपका मॉड्यूलेशन यानी कि एएम सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड वेरिएशन है, पीक एम्पलीट्यूड, उसको जब हम इनवेलप डिटेक्टर के आउटपुट पर देख रहे हैं, तो हमको सेम मैसेज सिग्नल मिल रहा है ये वाला कि नहीं मिल रहा है, इसी टाइप का। तो देखो, अपना मैसेज सिग्नल था एम टी, ए एम कॉस टू पाई एफ एम टी ले रहे थे हम, तो किस टाइप से मैसेज सिग्नल मिल रहा है, इनवेलप डिटेक्टर का आउटपुट, और क्रिटिकल मॉड्यूलेशन के लिए हमको कैसे मिल रहा है, ऐसे मिल रहा है, ठीक है। तो ये अपना देखो क्या है, मैसेज सिग्नल ऐसे ही था अपना, ए एम कॉस टू पाई एफ एम टी,
बस इसमें क्या है, डीसी कंपोनेंट ऐड कर रखा है, डीसी कंपोनेंट को आप कैपेसिटर से ब्लॉक कर दोगे, जब इसको कैपेसिटर से पास करा दोगे तुमको क्या मिल जा रहा था, डीसी कंपोनेंट हट जा रहा था, सीधा हमको क्या मिल जाएगा, मैसेज सिग्नल मिल जाएगा इस टाइप से। ये प्रोसेस था हमारा। तो देखो जो एम का एम्पलीट्यूड है, जब आपका पॉजिटिव रहा है, यहाँ पे भी देखो एम का एम्पलीट्यूड क्या है, पॉजिटिव है, यहाँ पे भी देखो पूरे रीजन में क्या है, पॉजिटिव ही है, जो पीक एम्पलीट्यूड है वो हमेशा पॉजिटिव ही रहता है। ये देखो यानी कि हम बोल रहे हैं एम एक्स यहाँ पे कैसा है आपका, पॉजिटिव है, और जो आपका एम इन था, एम इन कितना होता है, ए सी वन माइनस म्यू, जब एम टी की मैक्सिमम वैल्यू लोगे वो कितना, वो भी कितना है, पॉजिटिव है। तो यानी कि जब एम एक्स तो पॉजिटिव रहेगी रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, जो आपका एम इन है, एम इन भी क्या रहना चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए, उस टाइम पे आपका क्या हो जाएगा, मैसेज सिग्नल आपका एग्जैक्ट मिलेगा इनवेलप डिटेक्टर के आउटपुट पे। देखो पीक एम्पलीट्यूड का जो वेरिएशन है वो मैसेज सिग्नल ही है, इस वाले केस में भी और इस वाले केस में भी, दोनों में ही क्या है, मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंग ही वेरी कर रहा है। तो अब देखो ए मिनिमम पॉजिटिव कब आता है, जब आपका म्यू क्या रहे, लेस देन और इक्वल्स टू वन रहे, तभी तो आएगा। लिखाए थे हम ए मैक्स और मिनिमम, तीनों केस लिखाए थे वहाँ पे, ए मैक्स ए मिनिमम फॉर अंडर मॉड्यूलेशन, क्रिटिकल मॉड्यूलेशन, ओवर मॉड्यूलेशन, तीनों केस में ए मैक्स और ए मिन की वैल्यू लिखाई थी। ए मैक्स तो सभी में पॉजिटिव था, ए मिन आपका अंडर मॉड्यूलेशन में पॉजिटिव था, क्रिटिकल मॉड्यूलेशन में ए मिनिमम जीरो आ रहा था, और ओवर मॉड्यूलेशन में ए मिनिमम आपका नेगेटिव आ रहा था। तो इन दो केस में देखो ए मिनिमम आपका पॉजिटिव रहेगा, यानी कि हम बोल सकते हैं कि जो आपका ए सी वन प्लस के एम टी should always positive, should always positive, should always positive for proper, proper message signal detection, proper message signal detection। अब ये नंबर हमेशा पॉजिटिव कब होगा, जब आपका के ए एम टी का मैग्नीट्यूड हमेशा लेस देन और इक्वल्स टू क्या रहे, वन रहे। तो आपकी के ए एम टी की रेंज अगर लिखना चाहें, मॉड को ओपन करते हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस वन से वन। तो देखो जब भी ये वैल्यू माइनस वन से वन लाई करेगी, तो ये नंबर देखो अक्के देख लो, वैल्यू माइनस वन से वन के बीच में कोई भी वैल्यू, हमेशा ये नंबर कैसा आएगा, देखो पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है। माइनस नेगेटिव साइड लोगे तो माइनस वन से छोटा है, वन माइनस वन से मैग्नीट्यूड वाइज वन से छोटा नंबर, तो ये नंबर देखो पॉजिटिव आएगा। वन माइनस जैसे 0.5 ले लें तो 0.5 आया, पॉजिटिव ही आ रहा है। पॉजिटिव साइड जाओगे तो पॉजिटिव में तो वन प्लस समथिंग पॉजिटिव करोगे, हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। नेगेटिव में कहाँ तक जा रहे हैं, माइनस वन तक जा रहे हैं, तो इसमें मैक्सिमम कितना तक पहुँच सकते हैं, माइनस वन तक पहुँच सकते हैं, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू कितनी है यहाँ पे, माइनस वन, माइनस वन से बाहर नहीं जा सकते हैं, तो वैसे वन माइनस वन भी रखते हैं तो वन माइनस वन तो कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तब भी एम्पलीट्यूड आपका कितना हुआ जाके, जीरो ही हुआ, अभी नेगेटिव नहीं हो रहा है। तो मैं बोल रहा हूँ प्रॉपर एनवेलप डिटेक्शन के लिए जो ए मिनिमम है, ए मिनिमम की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, पॉजिटिव आनी चाहिए, तभी एनवेलप डिटेक्शन हो पाएगा। तो यहाँ पे जो हमको एनवेलप डिटेक्टर आउटपुट मिल रहा है इस केस में, एनवेलप डिटेक्टर आउटपुट वो हमको मिल रहा था क्या, कल ही देखा हमने, ए सी वन प्लस के ए एम टी, क्योंकि यही जो इसका जी वैल्यू है हमेशा पॉजिटिव ही दे रही है, तो ये पॉजिटिव दे रही है तो हमको यही वाला मिल रहा था एनवेलप डिटेक्टर। तो ये हमारा किसके लिए आ गया है, केस न्यू लेस देन और इक्वल्स टू वन के लिए, ठीक। अब देखो ओवर मॉड्यूलेशन में क्या होता है, आउटलाइन बना लो, ओवर मॉड्यूलेशन में ए मिनिमम आपका नेगेटिव हो जाता था, तो यानी कि हम बोल सकते हैं फॉर ओवर मॉड्यूलेशन, फॉर ओवर मॉड्यूलेशन
मॉड ऑफ के ए एम टी इज ग्रेटर देन वन फॉर सम टी, फॉर सम टी। क्या मतलब इसका? देखो जब इसकी वैल्यू आप क्या कर दे रहे हो, वन से बड़ी कर दे रहे हो, यानी कि माइनस वन से आप बाहर चले गए हो, तो ये नंबर देखो कैसा आ जाएगा, जैसे वन माइनस टू तो नंबर ये नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, किस रीजन में नंबर नेगेटिव आ रहा है? सिर्फ इतने रीजन में नेगेटिव आ रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक ये नंबर नेगेटिव आ रहा है। बाकी रेंज में देखो पॉजिटिव है, इधर भी पॉजिटिव है, इधर भी पॉजिटिव है, बस इस रीजन में क्या हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है, इसीलिए मैंने लिखा है फॉर सम टी। ठीक है, और ये वाला क्या था, टी की हर वैल्यू के लिए पॉजिटिव रह रहा था। देखो ये वाला टी की हर वैल्यू के लिए पॉजिटिव रह रहा था, तो ऊपर तो ये वाला केस क्या है, फॉर ऑल टी। तो यहाँ पे जो ये वाली कंडीशन है फॉर ऑल टी, तो ये वाली कंडीशन है आपकी फॉर ऑल टी, क्योंकि कोई भी वैल्यू हो, यानी कि इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही आ रही है। यहाँ पे कुछ रेंज के लिए पॉजिटिव आ रही है और कुछ रेंज के लिए नेगेटिव आ रही है। ठीक, अब इसका ए एम ड्रॉ कर लेते हैं, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल। यहाँ पे फिर रिवर्सल होता है, क्योंकि वैल्यू क्या हो रही है, नेगेटिव हो रही है, तो जैसा आ रहा था उसका रिवर्स हो जाएगा। अब देखो इनवैलिड डिटेक्टर क्या डिटेक्ट करता है, आपका पीक एम्पलीट्यूड वाला वेरिएशन। ठीक है, जो भी पीक एम्पलीट्यूड होगा, अब यहाँ पे देखो पीक एम्पलीट्यूड ये वाला रहा है, ये वाला यहाँ से आया, फिर यहाँ पे ऐसे चला गया है, फिर ऐसे चला गया है, यानी कि क्या हो रहा है, देखो पीक एम्पलीट्यूड ये आ रहा है, ये आ रहा है, इनवेलप डिटेक्टर का कैपेसिटर का वोल्टेज इसको फॉलो करेगा, इसको फॉलो करेगा, फिर यहाँ पे आके इसको फॉलो करने लगेगा, क्योंकि ये क्या करता है, पीक वैल्यू को ही फॉलो करता है कैपेसिटर वोल्टेज, इसको फॉलो करेगा, इसको फॉलो करेगा, इसको फॉलो करेगा, इसको फॉलो करेगा। तो देखो यहाँ पे जब ओवर मॉड्यूलेटेड ए एम सिग्नल को इनवेलप डिटेक्टर से पास करोगे तो देखो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा ये सिग्नल, कौन सा, ये वाला। देखो क्या ये सिग्नल मैसेज सिग्नल की तरह दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, मैसेज सिग्नल अपना कैसा था, सिंपल साइनोसोइडल था, क्या ये साइनोसोइडल है, नहीं है, तो यानी कि इस केस में आपको क्या नहीं मिल पाएगा, मैसेज सिग्नल का डिटेक्शन नहीं हो पाएगा इनवेलप डिटेक्टर के थ्रू, जो आउटपुट मिलेगा वो मैसेज सिग्नल से डिफरेंट मिलेगा, हमको चाहिए क्या था, मैसेज सिग्नल चाहिए था। तो ओवर मॉड्यूलेशन में केस में अगर आप इनवेलप डिटेक्टर यूज करोगे तो आउटपुट ये वाला मिल रहा है, और ये वैल्यू क्या है, मॉड ले रहे हो, किसकी, वन प्लस के एम टी की वैल्यू की, क्या ले रहे हैं यहाँ पे हम, इनवेलप डिटेक्टर का जो आउटपुट है एसी वन प्लस के एम टी, तो क्या ले रहे हैं हम, देखो मॉड ले रहे हैं, देखो यहाँ पे वैल्यू क्या थी, नेगेटिव हो रही थी, हमने क्या ले लिया उस वैल्यू को, पॉजिटिव वाला ही आ रहा है इनवेलप, क्योंकि इनवेलप डिटेक्टर का पीक एम्पलीट्यूड को डिटेक्ट करता है, तो ये वैल्यू जो नेगेटिव थी कैसे ही ले रहे हैं, पॉजिटिव ले रहे हैं, पॉजिटिव का मॉड तो पॉजिटिव ही रहेगा, नेगेटिव का हम क्या ले रहे हैं, पॉजिटिव का दे रहे हैं, तो उसका भी मॉड, इसका मतलब क्या है, मॉड ले ले रहे हैं, तो इसका हमको इनवेलप डिटेक्टर ये मिला है, इनवेलप डिटेक्शन आउटपुट, तो यानी कि ये क्या आ रहा है, इस केस में जो इनवेलप डिटेक्टर का आउटपुट आ रहा है वो मॉड ऑफ ए सी वन प्लस के ए एम टी आ रहा है। तो ये चीज याद रखना है, जो आपका इनवेलप डिटेक्शन होता था वो म्यू लेस देन इक्वल्स टू वन के लिए परफेक्ट रिकंस्ट्रक्शन करता है मैसेज सिग्नल का, और म्यू ग्रेटर देन वन के लिए आपका मैसेज सिग्नल डिटेक्ट नहीं होता है, लेकिन इस केस में ये चीज इंपॉर्टेंट है कि इनवेलप डिटेक्शन का आउटपुट क्या होता है, आउटपुट होता है आपका क्या, इस मॉड ले लेते हैं, जब भी नेगेटिव वैल्यू आ रही है तो जो भी आपका सिग्नल है उसका क्या ले लेना है, वैल्यू ले लेना, चाहे आपको कैसे भी क्वेश्चन बना दिया जाए, आपको दिख रहा है कि वैल्यू जो पीक एम्पलीट्यूड है उसकी वैल्यू नेगेटिव हो रही है, तो इनवेलप डिटेक्टर का आउटपुट क्या लोगे आप, उस केस में मॉड लोगे, और अगर पीक एम्पलीट्यूड की वैल्यू हमेशा के हमेशा ही पॉजिटिव है, यानी कि सारे टी के लिए पॉजिटिव है, तो आंसर एक्सेप्ट कितना आएगा, ए सी वन प्लस के ए एम टी, यहाँ पे लिख लो ये, नॉट सेम एज मैसेज
सिग्नल। यहाँ पे लिख लेना, इस केस में क्या हो जा रहा है आपका, एसी वन प्लस के एम टी इज नेगेटिव फॉर सम टी, फॉर सम टी न्यू इज ग्रेटर देन वन। देखो देयरफॉर टू अवॉइड एनवेलप डिस्टॉर्शन म्यू शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू वन और मॉड ऑफ के एम टी शुड बी लेस देन इक्वल्स टू वन for all t। next one लिखो, envelope detector is not used for demodulation of for demodulation of AM signal if mu is greater than 1, mu is greater than 1। next point likho, the envelope of AM signal can be visualized, can be visualized satisfactorily if fc is much greater than fm, fc is much greater than fm। fc is much greater than fm। देखो fc much greater than fm तो इसका मतलब कैसा सिग्नल हो जाएगा आपका, नैरो बैंड ए एम सिग्नल होगा, नैरो बैंड ए एम सिग्नल। क्यों नैरो बैंड में इसको बोल रहा हूँ, क्योंकि एफ सी जितना बड़ा होगा, एफ सी प्लस एफ एम डिवाइड बाई एफ सी माइनस एफ एम का रेशियो उतना ही वन के करीब पहुँचेगा, बताया था मैंने। एफ सी जितना हाई होगा तो एफ सी प्लस एफ एम डिवाइड बाई एफ सी माइनस एफ एम का रेशियो उतना ही कम होता जाएगा, और ए एम के जो हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी होती है एफ सी प्लस एफ एम होती है और लोएस्ट फ्रिक्वेंसी एफ सी माइनस एफ एम होती है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि एफ सी मच ग्रेटर देन एफ एम होना चाहिए और सिग्नल कैसा होना चाहिए, नैरो बैंड होना चाहिए। अब देखो ये मैंने ले क्यों रखा है एफ सी मच ग्रेटर देन एफ एम, वो इसलिए ले रखा है क्योंकि जो प्लॉट था हमारा, प्लॉट आपका इस टाइप से था, प्लॉट इस टाइप से अपना था, करियर सिग्नल की फ्रिक्वेंसी जितनी ज़्यादा हाई होगी, देखो इनवेलप डिटेक्शन कैसा होता था, इस टाइप से होता था, डिक्रीज हुआ चार्ज हुआ, डिक्रीज हुआ चार्ज हुआ, कैपेसिटर वोल्टेज डिक्रीज हुआ चार्ज हुआ। देखो ये वाली वेव्स जितनी जितनी पास होंगी उतना ही ज़्यादा उसी शेप में मिलेगा मैसेज सिग्नल की, जितनी ज़्यादा ये जो रिपल्स हैं ये वाले जितने ज़्यादा ज़्यादा पास होंगे उतना ही आपको अप्रोक्सीमेट करेगा मैसेज सिग्नल को, तो इसीलिए हम क्या लेते हैं एफ सी मच ग्रेटर देन एफ एम लेते हैं।
अब अगर आपका एफ सी बहुत स्मॉल हो जाएगा, मान लीजिए अगर एफ सी हम क्या ले लें, बहुत स्मॉल ले लें, एफ सी क्या हो छोटा होगा एफ सी, तो देखो किस टाइप से प्लॉट हो जाएगा आपका। क्या ले लिया आपने, फ्रिक्वेंसी बहुत कम ले ली है एफ सी की, तो इस टाइप से एम बनेगा। अब देखो यहाँ पे कर्व में उतनी ज़्यादा स्मूथनेस नहीं रहेगी। देखो मैसेज सिग्नल की स्मूथनेस, क्या ये आउटपुट जब एग्जैक्ट मैसेज सिग्नल की तरह मिलेगा, नहीं जा उतना ज़्यादा विजुलाइज नहीं होगा जितना इस केस में हो रहा है। इसीलिए क्या रहना चाहिए आपका, एफ सी मच ग्रेटर देन एफ एम रहिए रहना चाहिए। दूसरा आपका म्यू लेस देन और इक्वल्स टू वन होना चाहिए, तभी आपका एनवेलप डिटेक्शन के थ्रू इन ए एम सिग्नल का डिमोडुलेशन हो पाएगा। तो ये दो कंडीशन थी डिटेक्शन के लिए, किस केस में, एनवेलप डिटेक्शन के केस में। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इनवेलप डिटेक्टर आउटपुट यूजुअली हैज स्मॉल रिपल्स, रिपल्स थी हर एफ सी के बाद, वन बाई एफ सी का जो टाइम पीरियड था उतना चलने के बाद हमेशा रिपिल मिल रही थी, कैपेसिटर चार्ज हुआ डिस्चार्ज हुआ, तो उस वजह से क्या मिल रहा था, रिपिल्स मिल रहा था। दैट कैन बी रिमूव्ड बाई लो पास फिल्टर। क्यों लो पास फिल्टर से रिमूव्ड हो जाएंगी, क्योंकि जो रिपिल्स होते हैं, रिपिल्स को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं हार्मोनिक्स के फॉर्म में, किसके हार्मोनिक्स के फॉर्म में। अब यहाँ इस केस में फ्रिक्वेंसी कितनी है, एफ सी फ्रिक्वेंसी थी ए एम सिग्नल की, उसी से रिपल्स मिले हैं, तो इसकी फ्रिक्वेंसी कितनी है, एफ सी है, तो हार्मोनिक्स किसके होंगे, एफ सी के होंगे, हार्मोनिक्स ऑफ एफ सी, यानी कि एफ सी होगा, टू एफ सी होगा, थ्री एफ सी होगा। पास किससे करा रहे हो, लो पास फिल्टर से, लो पास फिल्टर की फ्रिक्वेंसी क्या होगी, बेसबैंड सिग्नल टाइप का होगा, क्या एफ सी को पास करेगा, नहीं करेगा, तो एफ सी एन टू एफ सी थ्री एफ सी हर किसी को क्या कर देगा, लो पास फिल्टर ब्लॉक कर देगा, तो रिपल्स अपने आप क्या हो जाएंगे, फिर आपका स्मूथ हो जाएगा कर्व, तो आपका एग्जैक्ट मैसेज सिग्नल मिल जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, अब देखो अगर आपका जो मैसेज सिग्नल है, मैसेज सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड वेरिएशन हो रहा था एएम के थ्रू, जैसे मान लो मैं लेता हूं आपका ये ले लेता हूं एमटी, एएम कॉस 2 पाई एफ एम टी, तो यहाँ पे मैंने क्या ले रखा है, ए एम आपका स्मॉल ले रखा है। अगर ए एम स्मॉल है तो बताओ म्यू स्मॉल होगा कि नहीं होगा, क्योंकि क्या होता है म्यू इक्वल्स टू के ए एम, अब ए एम की वैल्यू स्मॉल होगी तो अपने आप म्यू भी क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा। इस केस में देखो आपका ए एम सिग्नल कैसा बनेगा, इस टाइप से आएगा, जो वेरिएशन है वो वेरिएशन बहुत मामूली सा वेरिएशन होगा पीक एम्पलीट्यूड में, क्योंकि यहाँ पे क्या है ए एम भी, ए एम में भी वेरिएशन बहुत कम है, यहाँ से चला थोड़ी ही डिस्टेंस कवर कर रहा है ये एम्पलीट्यूड में, इस टाइप से जा रहा है ए एम सिग्नल ये रहा। अब इस केस में जो आपका एनवेलप डिटेक्टर होगा कैसे होगा भाई, पीक मिलेंगी, इस टाइप से कुछ आउटपुट मिलेगा। अब इस टाइप से आउटपुट मिलेगा तो देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे जो मैसेज सिग्नल है वो आपको उतना अच्छे से नहीं दिख रहा है,
ठीक है ना, एम टी आपका जो था, देखो यहाँ पे जैसा है वहाँ पे उस टाइप से नहीं दिख रहा है, क्योंकि रिपल्स भी आ रही हैं। अब इसी केस में अगर करके देखें हम, क्या ए एम को लार्ज करके देखें, अब मैंने ए एम को लार्ज कर दिया है, इस केस में देखो ए एम सिग्नल, इस टाइप से मिलेगा। अब यहाँ पे देखो मैसेज सिग्नल आपका अच्छे से डिटेक्ट हो पाएगा, क्योंकि इसमें क्या है वेरिएशन की रेंज जो है वो ज्यादा है। जब इसको हम ईडी से पास करा देंगे, इसको भी ईडी से पास कराया था यहाँ पे, इसको जब आप ईडी से पास कराओगे तो रिपल्स की वजह से इस टाइप से आउटपुट मिल रहा है, और जब लो पास फिल्टर से बात करोगे तो स्मूथ कर्व मिल जाएगा। अब इस केस में देखो एमटी आपको ज्यादा क्लियर दिख रहा है, एमटी आपको ज्यादा क्लियर दिख रहा है, तो इसमें जो डिकंस्ट्रक्शन है विजुलाइजेशन बहुत अच्छा हो रहा है, इसमें विजुलाइजेशन इतना अच्छा नहीं हो रहा है। देयरफोर आपका क्या होना चाहिए, मैसेज सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड है वो हाई होना चाहिए, और म्यू भी आपका ऐसा नहीं है जीरो के अराउंड हो, म्यू भी आपका थोड़ा हाई होना चाहिए, बन के अराउंड हो या बन से थोड़ा कम हो, बन से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ज्यादा हो जाएगा तब भी नहीं हो पाएगा। तो ये है दो केस। दैट इज लिख लो इसमें, अब इफ म्यू इज स्मॉल देन द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ मैसेज सिग्नल, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ मैसेज सिग्नल इज लेस परफेक्ट, देखो इफ म्यू इज लार्ज देन रिकंस्ट्रक्शन ऑफ मैसेज सिग्नल इज मोर परफेक्ट। ये पीछे का ही पॉइंट है जो हम दो कंडीशन बताए थे, म्यू लेस देन इक्वल्स टू वन, म्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू वन, इसको एक साथ लिख देते हैं दोनों कंडीशन को मैं, कॉस टू पाई एफ सी टी, इसको एनवेलप डिटेक्टर से पास करोगे, म्यू लेस देन और इक्वल्स टू वन है तो आउटपुट हमको मिल रहा था क्या ए सी वन प्लस के ए एम टी, और इसी सिग्नल को जब आप एनवेलप डिटेक्टर से पास करा रहे थे और म्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू वन था तो आउटपुट मिल रहा था हमको मॉड ऑफ ए सी वन प्लस के ए एम टी।